मेरा नाम दीपांशु मिश्रा है, मैं ग्राम सरवाहनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा ब्लॉक बिस्मा लगता है, जिला सीतापुर यूपी से हूँ। पापा पहले जो है धान गेहूं की खेती करते थे, गन्ना भी करते थे। उसके बाद हमने 15 से जो है हमने केला की खेती स्टार्ट की। 15 अगस्त 2019 को हमने इसकी जो है प्लांटेशन की थी। इस केले की महीने पर हमने कैल्शियम नाइट्रेट, यारा लीवा, यारा मिला और DAP वगैरह सब मिला के इसका पूरा जो है डाला। उससे पेड़ हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ का, जड़ का फैलाव हुआ और तने की मोटाई बढ़ने लगी हमारी। और उसके बाद फिर दूसरे महीने में फिर DAP और यारा वीरा यूरिया और पोटास और मैग्नीशियम डाल के दूसरे महीने में इसकी जो है गुड़ाई हल्की हल्की हुई, मिट्टी मिला दिया गया, फिर सिंचाई हुई, उससे हमारा तना पौधा और अच्छा चला। और तीसरे महीने कैल्शियम नाइट्रेट यारा लीवा उसकी फिर से इसमें पौधे के चारों तरफ डाला गया, डाल के फिर सिंचाई हुई, फिर पौधा हमारे मतलब बराबर आ गया हमारे। फिर ठंडक में जो है पाले वाले एक समस्या आती है, उसमें कैल्शियम और सल्फर ये सब ज़मीन में डाला जाता है और फंगीसाइड का भी उस पर ऊपर से स्प्रे होता है जब ज़्यादा पाला वाला गिरता है। जून के लास्ट वीक में हमने 22 तारीख को पहला फूल हमने देखा और फूल देखा, फूल का साइज अच्छा हमारा आया, पिछले कई सालों के अपेक्षा इस बार अच्छा आया हमारा। उसके बाद हम जो है इससे ज़्यादा मतलब जुलाई में इसका भरपूर मतलब हमको फूल निकलने लगा पूरा हमारा। फिर बीटल के लिए हमारा जो स्प्रे किया कई बार, इसमें कई स्प्रे हुए 5-6 दिन के अंतराल पर लगातार इसमें कीटनाशक का स्प्रे होता रहा। और उसके बाद हमारी जो स्टेज आ गई तैयार होने की, लगभग तैयार होने के 45 दिन पे हमारी स्टेज अब आके मतलब हमारा केला फसल आ गई है। यारा स्टोपेट उसका स्प्रे इस समय वर्तमान समय में चल रहा है, एक हो चुका है, अभी 2 स्प्रे और होंगे। इस पर 2 स्प्रे होंगे तब तक फसल हमारी तैयार होने की कगार पर बिल्कुल आ जाएगी। और उसको डालने से हमारा स्टोपेट डालने से हमारा इसको फल की साइज जो है लंबी हो रही है, इसकी मोटाई भी बढ़ेगी, इसकी साइनिंग चमक और इसको मतलब आकर्षित फल हमारा हो जाए, आकर्षक हो जाएगा फल हमारा, देखने में बहुत सुंदर हो जाएगा। हमारी फसल जो है 1.5 महीने लगभग हो गया है फसल गहरा आए, अब इसमें तैयार होने में भी अभी 1.5 महीने का लगभग टाइम और है, 1 महीने का। इसमें इसके फल के विकास के लिए हमने यारा का स्टोपेट जो है हमने यूज किया है, उससे हमारे फल में लंबाई बढ़ रही है इसकी है फिंगर की और मोटाई भी बढ़ेगी, अब बढ़ रही है और अलग अलग हो रहा है सब, साइनिंग बढ़ रही है, नीचे तक लंबाई एक समान लगभग हो जाएगी, इसलिए अंतर आएगा। वैसे ज़्यादा होता था कि नीचे का मोटा नहीं होता था, ऊपर वाला मोटा हो जाता था केवल और नीचे वाला वैसे ही रह जाता था। इसका जो बराबर प्रॉपर स्प्रे हो रहा है इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। यारा फर्टिलाइजर के स्टाफ से अधिकारियों से इतना मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा विकास करे इसलिए जैसे सलाह देता है, उसी तरह से हम किसान भाइयों को यारा के अधिकारी जो हैं बहुत अच्छा सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, तो तभी लोग हम किसान भाई लोग खुश रह पाएंगे। जब हमारा अच्छा लाभ होगा, आमदनी होगी, तभी हम लोग खुश होंगे। और यारा के जो प्रोडक्ट हैं उनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यारा का मैं जितना भाई धैर्य से धन्यवाद दूँ, शुक्रिया अदा करूँ, उतना ही कम है। और बहुत बहुत धन्यवाद यारा का।